ये अभी हमारी हाइकिंग चल रही है। मेरी स्टिक बस एक दफ़ा पहुंच जाए वहाँ पे। मैं तो एक दफ़ा गिर भी गई हूँ ना, लेकिन हाथ सारा चल गया है, मुझे आदत नहीं है। हालांकि मैंने स्टिक भी पकड़ी, पर कोई बच्चा भी मेरे पास नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है और क्या मिलता है, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। हेलो आयमा, यू प्लेइंग योर गेम। आज हम लोग जा रहे हैं सज्जी कोट, अब्टाबाद से ही। हमारा स्टे अब्टाबाद में है, तो अगर आप लोगों को लगे कि अब्टाबाद से ये सारी जगह दूर हैं, तो बिल्कुल दूर नहीं है। हम तो छोटे बच्चों से ट्रैवल कर रहे हैं। ये नथिया गली से जाता है इसका रास्ता, तो बहुत अच्छी जगह है। मैंने सुना है, मैं अभी तक की गई नहीं, असद एक दफ़ा गए थे तो उन्होंने बताया था कि बहुत अच्छी जगह है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा मैंने असद से कहा कि हमें भी लेके जाएं और हम भी चक्कर लगाएं वहाँ पे। और एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आप लोगों की वजह से मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। थैंक यू सो मच माई यूट्यूब फैमिली। तो जाते हैं अब हम सज्जी कोट। पहुंचने वाले हैं, फिर आपको वहां की वीडियो दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है। ये हम लोग इस वक्त जा रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल देखने। इसके लिए ही हमें 30 मिनट्स की ट्रैकिंग करनी है। और जो हमने अपनी हाइकिंग के लिए स्टिक पकड़ी है, वो एक आयरू ने भी ली हुई है अपनी सेफ्टी के लिए। आपको मैं जाके उधर से दिखाऊंगी कि कैसी है ये। इसका रूट छोटा सा बना हुआ है ट्रैकिंग का, जिसे मैं वैसे डरपोक हूँ, बस आज हिम्मत करके चल ले आई क्योंकि उसके नीचे से पाई टाइप है। ये आयमा जा रही है, उसद और आयरा मैं पीछे पीछे। जगह बहुत ही कोई खूबसूरत है, डरावनी भी है। फ्लैट से नीचे मेहनत का फल हमें क्या मिलता है। और ये भी हमारी हाइकिंग चल रही है। मेरी स्टिक बस एक दफ़ा पहुंच जाए वहाँ पे। मैं तो एक दफ़ा गिर भी गई हूँ ना, लेकिन हाथ सारा चल गया है, मुझे आदत नहीं है। हालांकि मैंने स्टिक भी पकड़ी, पर कोई बच्चा भी मेरे पास नहीं है।
लेट्स सी आगे क्या होता है और क्या मिलता है, देखते हैं। ये अब हमने फिलहाल 25 मिनट की कर ली है और हालत आपको मेरी नज़र आ रही है, अचार का पानी बहता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब है वी आर वेरी क्लोज टू इट बट रियली वी आर डाइंग। होटल के पास आ गई हैं, यहाँ पे लोगों ने जूते उतारे हुए हैं ताकि जूते गीले ना हों, और आगे पानी है तो मुझे भी कह रहे हैं कि अपने जूते यहाँ उतार दें। हालत हो गई है भाई मेरी तौबा, मैं सोचूँ मैं वापसी पे कैसे जाऊँगी। फाइनली हम वाटर अम्ब्रेला वाटरफॉल पर पहुँच गए हैं, मरने वाली हालत है, बहुत लंबी ट्रैकिंग थी, मज़ा आया, कैरिकेट बने, मैं तो वैसे गिरने में। आयरा और बच्चों को पानी में फ़न कर रहे हैं और मेरा अभी तक का सांस ही वापस नहीं आया, इतना बुरा हाल है, डर के मारे के कोई हद नहीं। आई माँ आती हूँ, आई माँ दो मिनट। बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए, जगह बहुत ही खूबसूरत है। पानी का कलर आप चेक करें, वाह बहुत ही प्यारा है, इतना खूबसूरत व्यू जिंदगी में नहीं देखा लिटरली। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, तो आप लोग इधर ज़रूर आएँ अम्ब्रेला वाटरफॉल पे, तो ट्रैक करके मज़ा आएगा, एक नई चीज़ करने को मिलेगी, एक्सप्लोर करेंगे आप लोग। आयरू को देखें, उसको किसी का डर नहीं है, उधर बैठी पार्टी करी और उधर आई मैं। मैंने सोचा यहाँ पे मैं थोड़ा सा और आगे गई थी तो ये एक और पॉइंट मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े का लगा, मैंने सोचा मैं ये भी आपसे क्यों ना शेयर किया जाए। ये सब कुछ है जी अम्ब्रेला वाटरफॉल में। अब हम चल के एग्जैक्ट अम्ब्रेला वाटरफॉल जिस पॉइंट को कहते हैं उस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, बहुत ही मज़े का पॉइंट है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया है, आप सब भी आएँ और इन्जॉय करें। अगर पाकिस्तान में बिजली नहीं बनती तो सलाम है, इतना पानी होने के बावजूद सच में जी व्यूअर्स, ये एक और व्यू है जी अम्ब्रेला आबशार का, बहुत ही खूबसूरत किस्म का। मेरे नो आना, आना पत्थर खा रही है, ये बच्चा हमारा छोटा सा गाइड है। आय माँ ब्यूटिफुल, मुझे तो लग रहा है मुझे इसमें डिहाइड्रेशन हो चुकी है, बिल्कुल चला नहीं जा रहा और हालत तो आपको मेरी नज़र आ रही है, मैं भी फिल्टर के बगैर वीडियो लगाऊंगा, मज़ा उसी का है जी व्यूअर्स। और ये अब हम आबशार के बहुत क्लोज आ गए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बहुत खूबसूरत व्यू है। अब मुझे लग रहा है हाँ मेरी थकावट हुई थी उसकी खैर है, क्योंकि अब जगह है इधर हम आ गए हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं आपको दिखाती हूँ सारा। फाइनली हम अम्ब्रेला वाटरफॉल के पास आ चुके हैं, ओ माय गॉड लिटरली, अगर इसको हम पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड गए ना तो गलत नहीं होगा, मैं आपको इस वक्त बता नहीं सकती कि पता नहीं मेरा किस कदर खूबसूरत है, ओ माय गॉड वाओ ब्यूटीफुल। ये हमारे जूते पड़े हुए हैं और ये है जी अम्ब्रेला वाटरफॉल, ब्यूटीफुल।
ये अम्ब्रेला वाटरफॉल की एक और साइड है, बहुत ही खूबसूरत है। हाय माँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आपको हम लोग का व्लॉग अच्छा लगेगा अम्ब्रेला वाटरफॉल का। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इट्स विद अस आज जी व्यूअर्स। और मैं इस वक्त जो है वाटरफॉल से अम्ब्रेला घोड़े के जरिए ऊपर आ रही हूँ, क्योंकि देखिए पैदल चलते नहीं।